नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान, आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। भीख मांग कर नशे का शौक पूरा कर रहे बच्चे, शहर के सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में सड़कों पर घूमते दिखाई देने वाले बच्चों के हाथ में पन्नी में लिपटे वाइटनर को सूंघकर नशे का शिकार हो रहे ये बच्चे। नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी चकारी करने से भी नहीं चूकते हैं। पकड़े जाने पर यह माफी मांगकर यह मामूली पिटाई के बाद छूटने के बाद फिर से अपनी गतिविधियों को मस्त हो जाते हैं। यह बच्चे सड़क पर भीख मांगकर नशे का सामान खरीदते हैं और सड़कों पर घूमने वाले बच्चों को नशे की आदत पड़ गई है। इस बारे में जिला अस्पताल के डॉक्टर शैलेश रंजन ने बताया कि वाइटनर व सिलोचन से नशा करने वाले बच्चों के दिल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं कोई गिरोह संगठित होकर बच्चों से भीख मंगवा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर शैलेश रंजन ने बताया, सिलोचन आराम से आजकल बाजार में 20-30 रुपए का ट्यूब मिल जाता है। सिलोचन को आदमी चाट के ब्रेड के साथ लगा के इस्तेमाल करता है। सिलोचन से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें सांस का खतरा, दिल का खतरा बढ़ जाता है। सांस में आगे जाके बच्चों को सांस की बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है और कैंसर तक की संभावना है। सिलोचन शुरू में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इससे नर्वस सिस्टम भी ब्रेक होता है और आदमी को ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे उसको नींद आ रही है और हाइपोटेंशन में चला जाता है मरीज। और सिलोचन आजकल बहुत आसान से आराम से मार्केट में 20-30 रुपए मिल रहा है। बात करें वाइटनर की, वाइटनर की कैसे? वाइटनर का यूज़ भी मोस्टली आदमी चाट की कर रहा है और वाइटनर में भी हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जब आप इनका वाइटनर का यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि बच्चों में भूख लगना कम हो जाती है, शरीर का तापमान कम हो जाता है और शरीर की मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसका सबसे ज़्यादा दिमाग पर असर पड़ता है।